मैं युवा राजपूत सभा प्रेसिडेंट राजवीर सिंह, आज मढ़ ब्लॉक के अंदर, एक तो हल्का मढ़ के अंदर और दूसरा हमारी मीटिंग जो है हरि सिंह ग्राट जो मिश्रीवाला के अंदर पड़ता है, आज हमारी दो मीटिंग्स हुई हैं और हमने सारे गाँव वासियों को, नौजवान साथियों को यही अपील की है कि 23 सितंबर पर अधिक से अधिक मात्रा में आके महाराजा हरि सिंह का जो उस दिन जन्मदिन है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और हम ये भी लोगों से अपील करते हैं कि जो रैली में जब आएं बड़े संयम के साथ आएं, और सारे जम्मू वासियों से ये अपील है कि महाराजा हरि सिंह जी, जो हमारी रैली का नाम है प्राइड ऑफ डोगरास, ये डोगरों की रैली है, आप बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हों। और सरकार जो हमारी पिछले 5 साल से सोई है वो कम से कम उनकी आंखें खुलें और जो महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी को वो जल्द से जल्द घोषित करें। जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करने अज में इस ग्रां हल्के विच सब तो पहला मेरे राजपूत ना इतिहास दिखे रहे थे, बड़ा लंबा इतिहास आंदा, बड़ा युवा राजपूत सभा का इतिहास दिखे लेंगे, पिछले 5-6 साल का इतिहास है। 2013 विच असें युवा राजपूत सभा का गठन किया, 2013 विच असें पहली बार डिसाइड किया, 2014 विच मिली है कि महाराजा हरि सिंह ये एक अनोखी शख्सियत है साढ़े जम्मू कश्मीर की। अगर अस गल करिए पुराने ब्रिटिशर्स के जमाने की, तो साढ़ा कदे जम्मू एंड कश्मीर, साढ़ा जम्मू कश्मीर कदे भी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा। लेकिन मेरा आखिर का मतलब यह है, दौर का जो कायम चला वा साढ़े एक सारे की पता कि अस 23 सितंबर के दिहाड़े ताई जिहड़ी साड़ी एक महारैली ऑर्गेनाइज करा दी साड़ी युवा राजपूत सभा जिहड़ी बन तला दा शुरू होनी है ते महाराजा हरि सिंह जी दे स्टैचू पर जाइए खत्म होनी है। मैं तुसें सारे लोकें गी अज दे इस दिन पर युवा राजपूत सभा दी तरफा एक मैसेज देन आया कि रैली च तुस बड़ी चढ़िया साथ लो और ये रैली जी है ये महाराजा हरि सिंह जी दे नाम पर है, ये डोगरे की एक शान है रैली जिहड़ी युवा राजपूत सभा ने पिछले 5 साल के अंदर ये इसी शुरू किते दा। और मैं तुसें ही दसना चाहना कि महाराजा हरि सिंह जिन्हें कि साड़ियां सरकारें साढ़े डोगरा कल्चर की बिल्कुल खत्म कर चुकी दियां साड़ियां सरकारां, पिछले 5 साल का एक बीड़ा चुके दा कि असें अपने डोगरे की शान महाराजा हरि सिंह जी के नाँ की छुट्टी लिए छड़नी है। और पिछलियां जिन्नियां भी सरकारां गईयां ने पिछले 4 साल असें धरने किते, प्रोटेस्ट किते, मेमोरेंडम दिते, चीफ मिनिस्टर गवर्नर हर एक MLA की असें प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू भी असें अपने MLA की आख्या कि महाराजा हरि सिंह के नाँ की छुट्टी जल्द कोला जल्द घोषित की जा। लेकिन मैं तुसें एक चीज और दसना चाहना कि ये जेड़ी छुट्टी है ये कौंसल च पास हो चुकी है, लेकिन साड़ा जम्मू का एक भी MLA असेंबली च एक बार भी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का उन्हें ना तक नहीं लिया। और अस अज इस मंच पर मैं आखना चाहना कि अस अज जे साडे नवे गवर्नर आए ना कि गवर्नर साहब तुस डोगरें की भावने की समझो और महाराजा हरि सिंह जी के नाँ की छुट्टी की जल्द कोला जल्द लागू करो। अज इतना मढ़ ब्लाक के बिच जी सा हल्के एक ग्रां सारे नौजवान साथियों की ये आखना चाहना कि 23 सितंबर पर बड़ी चढ़ी है महाराजा हरि सिंह जी के नाँ की छुट्टी का,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਰੈਲੀ ਚ ਬੜੀ ਚੜੀ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਚਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਦੇਵ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲਕੇ ਰੁਕੀ ਅੰਕਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨ ਅੰਕਲ, ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਈਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜਾ ਅੰਕਲ, ਕੰਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਨੇ ਕੋਮਲ ਅੰਕਲ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ